बच्चों ने देखा जंगल को करीब से। पश्चिमी वनमंडल परासिया द्वारा अनुभूति कार्यक्रम ग्राम दरबई में किया गया, जहां दरबई ग्राम के स्कूल के बच्चे छात्र व छात्राओं को जंगल व जंगल की जानकारी दी गई। वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए अनुभूति के माध्यम से स्कूल छात्र छात्राओं को जागरूक करना है। इसी क्रम में आज स्कूल छात्र व छात्राओं को मंदान डेम के जंगल में भ्रमण कराकर पेड़ पौधे व जंगल के जानवरों के बारे में जानकारी दी गई। दूसरी ओर जंगल भ्रमण के बाद छात्र छात्राओं को पेंटिंग व निबंध प्रतियोगिता भी कराई गई। इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को वन विभाग की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। पुरस्कृत वितरण के पश्चात भोजन की व्यवस्था भी की गई। इस कार्यक्रम में परासिया रेंजर श्रीमती अलका बूरिया व बाहर से आए ट्रेनर जेपी शिवहरे, साथ ही परिक्षेत्र सहायक शिवलाल सरलाम, बहादुर सिंह कुमरे, लक्ष्मी चंद भारतीय नंदकिशोर अहिरवार, परिसर रक्षक में नरेंद्र भलावी, प्रवीण श्रीवास्तव, धर्मेंद्र ब्रह्मे, लिंकन सिंह राठौर, विनोद साहू, नीतू भरकरे, परमेंद्र मसराम, दिनेश भारती व राकेश मालवी, कामता पाटिल, राहुल ढेरिया आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन करता है। इसमें शासकीय स्कूल के बच्चे इसमें शामिल होते हैं और उसमें हम लोग ये वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित हम उनको ज्ञान देते हैं, ताकि और वन का भ्रमण करवाते हैं और बच्चे इसको फील करते हैं, अनुभूत करके अपने जीवन में इसको साथ करने की कोशिश करते हैं। और बच्चे हमारी भावी पीढ़ी हैं, यही हमारा मैसेज को सर्कुलेट करने का सबसे बड़ा कैरियर पे काम करते हैं। तो बच्चे इसके महत्व को समझेंगे तो आगे इसको फैला पाएंगे। तो मेन उद्देश्य यही है कि उनको बच्चों को अनुभूत कराना। आज हम अनुभूति कैंप मंदान डैम में बच्चों को लेकर आए हैं। दरबई स्कूल के सभी बच्चे हैं और यहाँ पर हम जंगल भी बहुत बढ़िया है। हम सब पूरे जंगल में इनको घुमाकर बता रहे हैं कि भाई क्या कौन सा पेड़ कैसे क्या क्या फायदा करता है और इससे ऑक्सीजन कैसे पैदा होती है, पानी कैसे इनसे मिलता है, तापमान कैसे मतलब जो है धरती का इससे कम होता है, मिट्टी कैसे रुकती है, ये सारी की सारी चीज हम मतलब बच्चों को बता रहे हैं। उनका बहुत अच्छा रिस्पांस है। जीवन चक्र कैसे चलता है धरती पर, तो इसके बारे में भी यहाँ पर उनको हमने बताया, बहुत अच्छे से समझे उन्होंने। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझा, इकोसिस्टम कहते हैं उसको, इकोसिस्टम के बारे में समझा। तो बच्चे जो है भले ही उनका स्तर मतलब उतना अच्छा मतलब स्कूल का स्तर उतना ठीक नहीं होगा जैसे शहरों का होता है, लेकिन बच्चे मतलब जो है जब हम उनको अच्छे